हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजेड मैथमेटिक्स में। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सीताराम। बच्चों आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न फर्स्ट के तीसरे और चौथे प्रश्न की, जो कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ। बच्चों इसके लगभग अपन ने दो सवाल जो है पहले इसके पहले वाली जो क्लास थी ना उसके अंदर अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है, और उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करेंगे अगले प्रश्नों की। तो अगले प्रश्न दो जो है वो कुछ इस प्रकार के आप सामने छपे हुए हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के तीसरे प्रश्न की, पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न। समझिएगा आप, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तीसरा प्रश्न ये है बच्चों, 3x - y = 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 9x - 3y और बराबर में 9 इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों, सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशन अपन ने यहां पर लिख ली। अब समझिएगा आप ध्यान से, अपन क्या कहते हैं कि दोनों में से जो छोटी इक्वेशन हो उसको उठा लो, तो छोटी वाली कौन सी है भाई, समीकरण नंबर एक है, तो यहां पर लिख देवे अपन प्रतिस्थापन विधि है ना। प्रतिस्थापन विधि समीकरण एक से, समीकरण एक 3x - y = 3। अपन क्या करते हैं माइनस वाई को उधर ले चलते हैं, समझिएगा ध्यान से, 3x और प्लस के 3 को इधर ले आते हैं। प्लस के 3 को इधर लाए तो किसका हो गया बच्चों, माइनस का, और माइनस के y को उधर ले चलते हैं किसका हो गया बच्चों, प्लस का। पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, यानी y को इधर लिख देते हैं, 3x - 3 इधर लिख दिया, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 3 हो गई। आया क्या समझ में, माइनस वाई को तो ले चले उधर और प्लस के 3 को कहां ले आए अपन, इधर, तो माइनस में हो गया। पूरी इक्वेशन को उल्टा कर दिया तो y = 3x - 3 हो गया, ये समीकरण 3। समीकरण 3 हमने बनाई किससे, 1 से, तो मान किस में रखेंगे बच्चों, 2 में रखेंगे, तो 9x - 3y, तो माइनस और कोष्टक में 3y, y का मान कितना है बच्चों, 3x - 3 और बराबर में कितना चल रहा है, No. समझिएगा ध्यान से, 9x माइनस का तो माइनस, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9 और बराबर 9, 9x में से 9x चला गया तो बचा कितना 9 = 9, कोई दिक्कत है क्या, कोई चर बचा क्या यहां पर, ना ही तो x बचा बच्चों और ना ही क्या बचा यहां पर y बचा, x और y दोनों ही नहीं बचे हैं, तो हम लिखेंगे हल ज्ञात करना संभव नहीं है, हल ज्ञात करना संभव नहीं है। समझते बच्चों एक बार इसको कैसे सोल्व किया अपन ने, दोनों इक्वेशंस थी, छोटी वाली इक्वेशन अपन ने उठा ली तो 3x - y = 3, माइनस के y को बच्चों उधर भेजा तो प्लस का हो गया, और प्लस के 3 को इधर भेज दिया तो किसका हो गया, माइनस का। अब पूरी इक्वेशन को उल्टा कर दिया तो y को तो ले आए इधर और इसको लिख दिया उधर, तो चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो समीकरण 3 बन गई है। समीकरण 3 अपन ने बनाए 1 से, तो मान रखेंगे 2 में, तो 9 का तो 9 हो गया, 9 का तो 9 हो गया, x का x और माइनस का माइनस, 3 का 3 और y का मान ये देखो 3x - 3 लिखा और बराबर में क्या आ गया 9 आ गया, 9x - 3 × 3 9 हो गया और x का x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 क्या हो गया 9 हो गया बराबर में, प्लस के 9x से माइनस 9x कट गया तो 9 बराबर क्या आ गया बच्चों 9 आ गया, और 9 = 9 x और y बचा ही नहीं यहां पर, तो मान किसका निकाले, तो अपन लिख देंगे भाई कहता है हल ज्ञात करना संभव नहीं है। आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अगले लास्ट चौथे सवाल की बात करते हैं, हालांकि और भी है इसमें पांचवा और छठा, पर वो अगली क्लास में रहेगा। इस क्लास में अपन केवल मात्र दो प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि दिक्कत है समय की कमी है, प्लस यहाँ पर जो है सुबह सुबह जल्दी में क्लासेस बनानी पड़ती है, बाकी दिन में यहाँ पर गर्मी होती है, अपने अपना कोई जो यहाँ पर स्टूडियो सेटअप नहीं है। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की, सवाल बच्चों समझ में आ जाना चाहिए आपको, बस इतना सा मेरा प्रयास यहाँ पर रहेगा। 0.2x + 0.3y = 1.3। सबसे पहले तो पॉइंट को अपन हटाएंगे यहां से, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितना आएगा, एक संख्या है तो 10, इधर भी एक संख्या है तो 10 और इधर भी एक संख्या, क्या हो गया 10, सबके नीचे 10 है बच्चों, तो 10 10 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, तो जीरो का कोई मतलब नहीं, आगे तो 2x + 3y और बराबर में क्या बच गया 13। समीकरण नंबर क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई, ठीक है। दूसरा इक्वेशन उठाते हैं अपन, 0.4
एक्स प्लस 0.5 वाई और बराबर 2.3। बच्चों पॉइंट हटाया तो बटेगा में 10, यहां से भी पॉइंट हटाया तो 10, यहां से भी पॉइंट हटाया तो बटेगा में क्या आ गया 10 आ गया। आ गया समझ में, सभी के नीचे 10 है तो इसको क्या कर देवे, काट देवे, तो क्या बचा 4x + 5y और बराबर में क्या बचा 23। समीकरण नंबर क्या हो गए बच्चों, 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोटी लग रही है तो समीकरण फर्स्ट लेते हैं समीकरण एक से, 2x + 3y = 13 है। पहले 3y को उधर भेज देते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या बचेगा 2x = 13 और प्लस का 3y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इंटू वाला 2 कहां आएगा बटेवा में, तो 13 - 3y और ये आ गया बटेवा में 2। ये अपनी क्या बन चुकी है बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड बन चुकी है। आ गया समझ में, ये प्लस के 3y को उधर भेजा, माइनस में इंटू वाले 2 को बटेवा में भेज दिया, समीकरण नंबर 3 हो गई। अब ये बड़ी समीकरण जो 3 है ना, ये समीकरण 3 बनाए किससे अपन ने, 1 से, तो मान किस में रखेंगे इसका 2 में, तो रख देते हैं भाई समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में। ठीक है, समझिएगा 4 ये 4 बच्चों बीच में इंटू मान लेंगे, और जो x चल रहा है उस x का मान ये देखो कोष्टक में 13 - 3y और बटेवा में 2 कोष्टक बंद, फिर प्लस का 5y, ये 5y और बराबर में क्या चल रहा है 23 चल रहा, कोई दिक्कत है क्या। 4 का 4 लिख दिया, x की जगह x का मान लिखा, प्लस का 5y और बराबर में क्या लिख दिया अपन ने 23 लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब 4 को गुणा कराया 13 से 52, -4 को 13 से गुणा कराया 52 और 4 को गुणा कराया 3 से, कितना हो गया 12 और y का y, फिर बटेगा में 2 और ये कोष्टक, प्लस 5y बराबर क्या है 23। अब इसके बटेगा में कुछ नहीं है तो क्या मान ले बच्चों, 1 मान ले, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, क्रॉस गुणा कर, नीचे वाली संख्या का गुणा हो गया 2 × 1, 2 क्रॉस गुणा करवाते, 1 को इससे गुणा करवाएंगे तो ये का ये आएगा भाई, कोई दिक्कत थी क्या, क्रॉस गुणा करवाते ना एलसीएम में, 1 को इन संख्या से गुणा करवाऊंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे की वैसे लिख दी, प्लस का बीच में प्लस, ये बटे वाला 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 10 और वाई का वाई बराबर में क्या आ गया 23। फिर वाई वाले को सोल्व कर ले, 52 और एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, तो 12y में से 10y जाएगा तो 2y बचेगा, बड़ी संख्या 12 है और उसके पहले माइनस है तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, फिर बराबर में क्या चल रहा है 23 और बटेगा वाला 2 कहां चल दिया इंटू में, तो ये हो गया भाई माइनस के, तो 2y बराबर इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा अपना 46 और प्लस के 52 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस का दो वाई बराबर 52 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 6 और इंटू वाले 2 कहां आ जाएंगे बटेगा में, सॉरी बटेगा में आ गया तो कट गया, तो y का मान कितना आ गया भाई 2, 3, 6, यानी y का मान कितना आ गया भाई यहां पर 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर 13 -3y, 3 इंटू वाई का मान कितना है 3 और बटेवा में कितना है बच्चों 2, x बराबर 13 -3 × 3 9 हो गया और बटेवा में क्या आ गया 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 में से 9 गए 4 और बटेवा में 2 का भाग इसमें लगाया तो x बराबर कितना आ गया भाई यहां पर 2 आ गया, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 2 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों यहां पर हमारे पास 3 आ चुकी है। तो ये रहे आज की क्लास के 2 सवाल, बड़े अच्छे वाले तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपने बच्चों क्लास ध्यान से देखी होगी तो आपको 100% गारंटी है कि समझ में आ चुका होगा। देखिए आप जरा ध्यान से एक बार रिपीट कर लेते हैं इस सवाल को, कि पॉइंट था तो पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो पॉइंट हटाया 10, इधर भी एक संख्या 10, इधर भी एक संख्या 10 हो गया, 10 10 सब सबके नीचे 10 था तो काट दिया डायरेक्टली बिना एलसीएम लिए, तो 2x + 3y बराबर 13 बच गया, इसी प्रकार से 4x + 5y बराबर 23 बन गया। समीकरण एक छोटी थी तो अपन ने वो उठा ली, प्लस के 3y को इधर भेजा माइनस में आ गया, इंटू वाला 2 कहां आ गया बटेगा में, x का मान आ गया, ये समीकरण 3। समीकरण 3 निकाले अपन ने 1 से तो मान रखा है किसमें 2 में, 4 ये 4 बीच में कुछ नहीं इंटू और x की जगह लिखा 13 - 3y बटेगा 2 प्लस 5y बराबर 23, गुणा करवाया अंदर से 52 हो गया, -4 × 3 12 हो गया और y का y बटेगा में 2 प्लस 5y बराबर 23 हो गया।
नीचे एक मान लिया, दो और एक को गुणा करवाया दो, फिर क्रॉस गुणा करवाया, एक को इससे गुणा करवाएंगे वो का वही, दो को इससे गुणा करवाएंगे दस हो जाएगा, बराबर में 23 आ गया। बटे वाला दो कहां चला गया, इनटू में 52 के 52, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो बाकी करेंगे तो 12y में से 10y जाएगा 2y, और इधर गुणा करवा लिया 52 सॉरी 46 हो गया, प्लस के 52 इधर आ गए माइनस में, 52 में से 46 घटाया तो माइनस 6 हो गया, और इधर माइनस से माइनस कट गया, इनटू वाला बटे में चल गया, वाई का मान 3 आ गया। वाई का मान जो है अपन ने समीकरण 3 में रखा, 13 माइनस 3 वाई, 13 माइनस 3 इनटू वाई का मान 3 बटे हम 2, गुणा करवा लिया 9 घटा लिया कितना आ गया 4 बटे 2, आंसर कितना आ चुका अपने पास 2 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज की क्लास का सेशन, और मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। दोस्तों बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें, और क्लासेस अच्छी लगे आपको तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।